बाराबंकी में बीजेपी नेता की जबान ने जहर उगला है। निकाय चुनाव में धमकी देकर वोट मांगने वाले बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि सफाई के नाम पर भी रंजीत बहादुर अपनी बात को दोहरा रहे हैं। जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं, इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ वोट दे देना, भीख नहीं मांग रहा हूँ। धमकी देकर वोट मांग रहे ये बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव हैं। यूपी के बाराबंकी में रंजीत बहादुर निकाय चुनाव में अपनी पत्नी के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन उनके बोल ऐसे बिगड़े कि वो सारी मर्यादाएं भूल गए। भारतीय जनता पार्टी का शासन काल है, जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं, इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ वोट दे देना, भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे उसका अंदाजा तुमको स्वतः लग जाएगा। अब मंच की तस्वीरें देखिए। मंच पर यूपी सरकार के दो दो मंत्री मौजूद हैं, दारा सिंह चौहान और रमापति शास्त्री, और उनके सामने रंजीत बहादुर बोलते बोलते क्या क्या बोलते चले गए। हद तो तब हो गई जब वीडियो वायरल होने और बयान की चारों तरफ निंदा होने पर रंजीत बहादुर से उनके बयान के बारे में पूछा गया तो जनाब सफाई के नाम पर भी उसी राग में गाते दिखे। तो आपको यह समझना चाहिए कि इस नफरत की दीवार को तोड़ने के लिए आपको पहल कर देनी चाहिए, और अगर नहीं करोगे तो ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू नहीं पछताएगा, अंततः मुसलमानों को ही पछताना पड़ेगा। और अगर इस बात को कोई धमकी कह रहा है तो ये धमकी मैं एक बार नहीं 2000 बार देने के लिए तैयार हूँ। रंजीत बहादुर यही नहीं रुके, चुनाव से पहले जनता का सेवक होने का दावा करने वाले नेताओं की सोच चुनाव बाद कैसे बदलती है उसकी बांगी उनके अगले बयान में दिख गई। मैं इनके वोट का मोहताज नहीं हूँ, हाँ ये मेरे काम के मोहताज जरूर रहते हैं, 5 साल वोट न देने के बाद भी ये मेरे दरवाजे पर आते रहे, मैं उनका काम करता रहा हूँ, लेकिन शर्मिंदा होकर के आते रहे। भड़काऊ भाषण देने वाले रंजीत बहादुर शायद ये भूल गए कि लोकतंत्र में असली मालिक जनता होती है।